The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ जिला कारागार में नशे की गोलियों की तस्करी करने वाला वकील पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वकील चप्पल में छिपाकर नशे की गोलियां ले जाता था और मिलाई के वक्त कैदी को देता था। कैदी जेल के भीतर नशे की गोली ऊंचे दाम पर बेचता था। जेल में कैदी से चप्पल बदलते वक्त वकील की धोखाधड़ी पकड़ी गई। वकील ने जैसे ही कैदी से चप्पलें बदली तो जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उस पर शक हुआ। जांच में उसकी पोल खुल गई। सूचना पर पहुंची मेडिकल थाना पुलिस ने वकील को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में शराब माफिया साजन और फ्लुक्का बंद है। लुक्का से मिलाई करने उसके वकील अनुज गुप्ता गुरुवार को जिला जेल पहुंचे। वकील मिलाई के बहाने कैदी को नशे की गोली सप्लाई करने आया था। मिलाई के वक्त वकील ने कैदी से चप्पलें बदली। वकील ने सैंडल में एक या दो नहीं पूरी 2400 गोलियां छिपाई थी, जिन्हें वो चोरी छिपे अंदर लेकर गया था। वकील जब कैदी से चप्पल बदलने लगा तो सुरक्षा कर्मियों को उसकी हरकत पर शक हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने वकील और कैदी दोनों की जांच की तो उन चप्पलों में अल्प्रेक्स की 2400 गोलियां मिली। अनुज गुप्ता जेल में नशे की गोलियों की तस्करी कर रहे थे। इसी आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल थाना प्रभारी अखिलेश गौर ने बताया कि वकील की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा लिखा गया है, आगे की कार्यवाही जारी है। देखिए इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह से मिली जानकारी। कल दिनांक 17 नवंबर को अनुज गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जेल में किसी कैदी से मुलाकात करने के लिए गया था। चेकिंग के दौरान इनके पैर के सैंडल के सोल में लगभग 2400 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इस संबंध में थाना मेडिकल पर NDPS एक्ट की समुचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मेडिकल पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।